बेटा बेटा अपने पापा के सपने में आई और पापा के सपने में आकर पापा से क्या क्या कह रही है सुने कि शब्द कितना सच्चा निकला। बाकमाल इंसान हमारे भाई बलराज मलिक जी जिन्होंने इस भजन को लिखकर दिया है सुनिए उन्होंने लिखा है वो बेटी अपने पापा से कि बाबू बाबुल मुझे तेरी याद सताए बिन तेरे पल पल रोना बिटिया होती पुल पुल जैसी उड़ते चली अपने पिता के सपने में आकर पापा से कहते पापा आपने मेरे लिए स्वर्ग से सुंदर सपनों का आशीर्वाद ढूंढा है तू भी मेरी खातिर जो संसार ढूंढा है सपनों से सुंदर स्वर्ग से आशीर्वाद ढूंढा है मेरी खातिर जो बात होगा और वो मेरा भाई जो मेरे बिना रहा नहीं करता था पापा भैया से कहे भैया से कहना बहना बुलाए मेरे पल मेरे पल रोना बाबू मुझे और बेटी क्या चाहती है बेटी सिर्फ इतना चाहती है कि पिताजी जैसा मैंने सोचा था जैसा मैंने सोचा था परिवार ऐसा पाया जैसा मैंने सोचा था परिवार ऐसा पाया लेकिन तेरे प्यार के आगे कुछ न मुझको पाया प्यार कैसा वो किस प्यार की बात कर रही है हर बेटी चाहती है कि अगर मुझे एक घंटे की भी छुट्टी मिले मैं वो छुट्टी अपने घर जाना चाहती हूँ अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ मम्मी के पास जाना चाहती हूँ जाकर उनसे सुख दुख की बात करना चाहती हूँ लेकिन पापा आपने मुझे कहाँ भी आई पापा मुझे 5 महीने के अंदर अंदर इन तेज के लोगों ने पापा फांसी देकर मार इसलिए बेटी चाहती क्या जैसा मैंने सोचा था परिवार ऐसा पाया लेकिन तेरे प्यार के आगे कुछ ना मुझको पाया है लेकिन तेरे प्यार के आगे मुझको ना कुछ पाया है पर बस के अखियां मेरे पास तेरे
पल्ले पल्ले रोना था। पिया होती बुलबुल जैसी उड़ते चली जाए, बुलबुल मुझे तेरी याद सताए, पल्ले पल्ले रोना। अब वो बाप उस सपने से जाग जाता है, सपने से जाग गया तो बेटी को दिखाई नहीं पड़ी, उस पिता की आंखों में आंसू आ गए हैं। कभी घर का ये कोना देखता है, कभी घर का वो कोना देखता है, लेकिन बेटी दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि दहेज के लोभियों ने उसकी तो हत्या कर दी। आज वो पिता अपने घर को देखकर एक ही बात कहता है कि बेटी तेरे जाने के घर का कोना कोना रोता है। मेरी बेटी मैं तुझे कहां से लाऊं, तेरे जाने के घर का कोना कोना रोता है, दिल पे पत्थर रखते बेटी बापू ये तेरा सोता है, दिल पे पत्थर रख के बेटी बापू ये तेरा सोता है। और अब मेरे कहने से वैसे बदला दिया ने इसके अपना नाम दिया नहीं था, तो मैंने कहा तो अपना नाम दे दिया, अंत में क्या लिखा है, छुप छुप मलिक तेरा आंसू बहा, बिन तेरे पल पल रोना, बिटिया होती बुलबुल जैसी उड़ के चली जाए, क्योंकि पढ़ाए जाते हैं बेटे लेकिन पढ़ जाती है, लड़ाए जाते हैं बेटे लेकिन लड़ जाती है बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे लेकिन कल्पना चावला जैसी वो बेटी चांद पर जाकर उड़ जाती है बेटियां। एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां। आज हमें फर्ज होता है जिस भारत में हम रहते हैं, अगर आज सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल में नाम है तो भारत की बेटियों के नाम है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करें कि भारत की बेटियों के लिए उड़ाइए, इतनी सेवा इतनी हाजिरी कबूल करें। और मैं जाने से पहले फिर सबसे एक ही बात प्रार्थना करूंगा कि एक बार आदरणीय हमारे गुरु पुरन सिंह आजाद जी यहाँ विराजमान है, इनकी भी एक बार जोरदार